ये धुन उस मुस्कुराती हुई लड़की की धड़कन थी। ख्यालों में खोई हुई वो लड़की ख्वाबों में भी गुनगुनाती थी। इस मुल्क की दूसरी लड़कियों की तरह वो भी उड़ती थी, परियों की तरह आसमान में। उसकी भी खूबसूरत आंखों में चुपके से चांद उतर आता था। इसी दिल्ली की सड़कों पर उसने अपने कदमों तले सपनों की लंबाई नापी थी और नजरों से नापी थी नजारों की खुशबू। 15 बरस की प्यारी सी वो बच्ची सरगम के संसार में अपना घर बसाना चाहती थी। साड़ी पहनकर वो अप्सरा हो जाती थी और कभी कभी यूं ही एक लट निकाल लेती थी अपने चेहरे पर। गले में हार डालकर वो सितारों से बात करने लगती थी और स्कर्ट पहनकर तैरने लगती थी मन की लहरों पर। संगीत को साधने के लिए खान मार्केट की एक किताब दुकान पर वो कच्ची उम्र में ही नौकरी करने लगी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 22 फरवरी 2005 की उस सुबह जब दिल्ली के बागों में वसंत आया हुआ था, लक्ष्मी की जिंदगी में पतझड़ उतर आया। पूर्वी दिल्ली के लोनी से निकली हुई डीटीसी की बस ने उसे खान मार्केट के बस स्टॉप पर सही सलामत उतारा था। किताब की दुकान की तरफ वो तेजी से बढ़ी थी, लेकिन जिंदगी ने शायद अपने कदम रोक लिए थे। बुरी निगाह रखने वाले 32 साल के आदमी ने उस पर तेजाब फेंक दिया था। दुनिया ने उस रोज पहली बार उसका नाम जाना, लक्ष्मी। विज्ञान की किताबें कहती हैं लक्ष्मी का सिर्फ बदन जला था, लेकिन सच तो ये है कि तेजाब में उसका पूरा जीवन झुलस कर रह गया। लक्ष्मी की सांसें तो चलती रहीं, लेकिन संसार उजड़ गया था, सपने उजड़ गए थे, खो गया था संगीत, खो गए थे साथी। कि राह पर कुछ बचा था तो संघर्ष, संघर्ष और सिर्फ संघर्ष। जीने की ललक ने लक्ष्मी को लड़ना सिखाया और लड़ने की धुन ने पैदा किया जीतने का संगीत। एक जालिम और बर्बर सामाजिक व्यवस्था की आंखें खोलने के लिए लक्ष्मी खड़ी हुई तो भारत की सर्वोच्च अदालत को अपनी निगाहें सख्त करनी पड़ी। लक्ष्मी का झुलसा हुआ चेहरा हिंदुस्तान के लिए आईना बन चुका था। 8 साल की लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तेजाब की खुली बिक्री पर रोक लगा दी, सरकार को मुआवजा देने को कहा और समाज से सम्मान देने का अनुरोध। 9 साल में 7 सर्जरी और अभी भी इलाज जारी। इस लड़ाई में लक्ष्मी ने सिर्फ अपना चेहरा ही नहीं खोया, अपना पिता खो दिया, अपने परिचितों का प्यार खो दिया, जीने का स्वाभाविक अधिकार खो दिया। लेकिन जो लक्ष्मी आज हमारे सामने खड़ी है, उसकी आंखों में झांकिए, आप डूबते चले जाएंगे इन आंखों में, बहा ले जाएगा आपको इनमें उतरा हुआ जीवन। इस जीवन का संगीत संसार के किसी भी संगीत से ज्यादा मधुर है और ज्यादा पवित्र। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसके सरगम को लक्ष्मी ने बंद कमरे की सारंगी पर नहीं, संघर्ष के तानपुरे पर गढ़ा।